नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ड्राइव होता है वो हमारा ड्राइव एसी है या डीसी है, ठीक है, उसको पहचानने का तरीका बताऊंगा और ड्राइव से हम लोग मोटर का आरपीएम कम या ज़्यादा कैसे करें, ठीक है, ड्राइव के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पैनल को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो ड्राइव लगे हैं, दो ड्राइव। इनका जो कम्युनिकेशन का केबल ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए इसका कवर लग नहीं पाएगा, इसलिए इसका कवर देख सकते हैं ऊपर में रखा गया है, ठीक है। हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा ड्राइव होता है दोस्तों, वो हमारा ड्राइव एसी है या डीसी, उसको कैसे पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एसीएस 880, यहाँ पे अगर लिखा रहता है डीसीएस 880, ये अभी रनिंग कंडीशन में देख सकते हैं गोल गोल घूम रहा है, यानी कि ये रनिंग कंडीशन में है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग का दो डिजिट देखते हैं, ये एसी है ना, यानी कि ये एसी ड्राइव है। यहाँ पे अगर डीसी रहता ना तो ये डीसी ड्राइव हो जाता, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है दोस्तों कि हमारा ड्राइव एसी है या डीसी। अब चलते हैं, हम बात करते हैं आरपीएम को कम ज़्यादा कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। ये दोस्तों थोड़ा क्लीन नहीं आ रहा, बट मैं प्रयास करूँगा क्लीन लाने का, ठीक है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑप्शन का बटन है, ये मेन्यू का बटन है। अभी जो मेरा मोटर है ना, वो मोटर रिवर्स में है। यहाँ पे ये जो ऊपर का आरपीएम है ना, ये कांस्टेंट आरपीएम होता है, ठीक है। ये 1020 पे हमारा जो आरपीएम है ये सेट है, ठीक है। 1020 से ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत जाएगा तो 1025 तक जा सकता है, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 1020 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनू पे ओके करेंगे। मेनू पे ओके करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर खुल जाएगा। पैरामीटर खुलने के बाद पैरामीटर को हम सेलेक्ट करेंगे। पैरामीटर के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट लिस्ट को ओपन करेंगे, फिर से कंप्लीट लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल वैल्यू, इनपुट रेफरेंस, वार्निंग एंड फॉल्ट, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे हैं, है ना। तो इस पर हम बातें नहीं करेंगे, हम सीधे आरपीएम पे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीट लिस्ट के 22 में जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर में जाएंगे कंप्लीट लिस्ट के? 22 में। तो चलिए हम कंप्लीट लिस्ट के 22 में आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस सेलेक्शन, स्पीड रेफरेंस सेलेक्शन, कितने नंबर? कंप्लीट लिस्ट के 22 नंबर में जब आए तो लिखा स्पीड रेफरेंस सेलेक्शन, इसको क्या करेंगे हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद इसके 25 नंबर में जाएंगे, 22 के 25 नंबर में जाएंगे। कितने नंबर में जाएंगे दोस्तों? 22 के 25 नंबर, 25 नहीं 26 नंबर में, सॉरी। यहाँ पे देख सकते हैं 22 के 26 नंबर में आ गए। यहाँ कॉन्स्टेंट स्पीड कितना है दोस्तों? कॉन्स्टेंट स्पीड 1020 आरपीएम पे है। अब यहीं से दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो मेरा आरपीएम है इसको हम कम या ज़्यादा करेंगे। तो चलिए ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट हम करेंगे। यहाँ पे ये चार बटन दिए हुए हैं आगे पीछे अप डाउन के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको आगे कर रहा हूँ। आगे करने के बाद मान चलिए हमको करना है इसको 1120 आरपीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एक बढ़ा दिया, 1120 हो गया। अभी जैसे यहाँ सेव करूँगा ना, 1120 आरपीएम पे सेव हो जाएगा। जैसे मान चलिए हमको कम करना है तो नीचे वाला बटन दबाएंगे ना तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 920 आरपीएम पे हो गया। अब जैसे ही सेव करूँगा ना, ये 920 आरपीएम पे सेव हो जाएगा। 920 आरपीएम तक हमारा मोटर घूमेगा जब मोटर चालू होगा तो, ठीक है। तो हमारा जो था 1020 आरपीएम था, तो हम 1020 आरपीएम पे अभी सेव करते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैं ऐसे ही रोलिंग मिल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।